एक शख्स का शुक्रिया अदा करना, अगर आप इजाज़त दें तो पहले शुक्रिया अदा कर दूँ। हम आम तौर पे जब उम्र पे जाते हैं तो सीधे जाते हैं, सामान रखते हैं और सलाम करने के लिए भागे चले जाते हैं। तो एक शख्स था जो कि जो जिसका बुनियादी काम जो है वो लोगों को हंसाना है, वो वहाँ मिला। उसने कहा कि शाह साहब, आप कैसे जाते हैं अपने नाना को मिलने? तो मैं उसकी ज़ुबान समझ गया कि किस लहजे में बात कर रहे हैं। कहते नाना को मिलने कैसे जाते हैं? मैंने कहा अभी सामान रखना है बस, और वुजू करना और भागे आना है। कहते बस? मैंने कहा हाँ बस। उसने कहा देखें, आप तो ये अदब की रेड लाइन क्रॉस कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल आपको ऐसा करना चाहिए। कहा क्या करना चाहिए? उसने कहा आप अपने कमरे में जाएं, आप एक अच्छा गुसल लें, उसके बाद आप अपने बेहतरीन कपड़े निकालें, फिर आप एक बेहतरीन खुशबू लगाएं और फिर दुरूद पढ़ते हुए नीचे उतरें, और जब बाहर आएं तो आपने हरम के दरवाजे की तरफ नहीं बढ़ना। जो जाते हैं लोग उनको अंदाज़ा होगा एक लाहौर चौक है, एक कबूतर चौक है। तो उसने कहा कबूतर चौक पे ना आपने बैठ जाना है, जाना नहीं है, अंदर नहीं जाना, कबूतर चौक पे बैठ जाना है। मैंने कहा कबूतर चौक पे के बैठ के क्या करना है? उसने कहा कबूतर चौक पे घर वाला बुलाएगा तो जाना है ना, वो बुलाएगा तो जाना है ना। मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि वो बुला रहा है? उसने कहा शाह जी आप बैठे तो सही, आवाज आएगी और खुदा की कसम फिर आवाज आती है। जब आप किसी के घर में जाएं दुरूद पढ़ते हुए और फिर इंतजार करें दरवाजा खटखटा के कि वो अपनी आपके दिल की अगर आपकी इजाजत है तो मौलाना ज़हीर उल हसन साहब क़िबला साथ ही बैठे हैं और इनकी मौजूदगी में एक सवाल कई साल पहले मैंने मौलाना साहब से किया था जब मैं कर्बला में था। तो मैंने कहा क़िबला एक होता है इरादतन हरम में जाना, हाँ, और एक होता है अचानक जाना। इरादतन यानी आपका स्केड्यूल बना जी नमाज के टाइम जाएंगे, ज़ियारत करेंगे, खाएंगे। एक है आप निकले हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए, अचानक दिल कहता है हरम चले जाएं। अब उस टाइम जब इंसान जाता है तो वहाँ बैठकर वो उस कैफियत में नहीं होता जो आम कैफियत होती है। फिर ऐसी लॉ लगी होती है कि मौला से बातें कर रहा होता है और बातों का जवाब आता है कान में नहीं दिल में, दिल में आता है। और जो मसले हम बोल रहे होते हैं वो दिल हल्का हो रहा होता है उस मसले को सुन, उस मसले के बारे में। तो और जब पता चलता है कि वो मसला, वो दुआ हमारी कबूल हो गई, वो मसला हल हो गया। तो मौलाना साहब ने मुझे बताया था ये हर ज़ियारत के वक्त कोई एक ऐसा लम्हा होता है जो कबूलियत का होता है। ये वो वक्त है कि जब साहिब कब्र ने आपको खुद बुलाया। क्या बात है, जब साहिब कब्र ने छोटी सी बात अर्ज करूं बिलाल भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात अर्ज की है। शाह जी अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके इन आंसुओं के सदके में हमारी भी मग़फ़रत फरमाए। बल्कि मौलाना शहरयार बैठे, एक इजाज़त दें एक जुमले की, अगर जी मुसलसल आंखों में आंसू हैं, मैंने मसाइब तो पढ़े नहीं, मैंने तो इसकी बात की। तो मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमारे फजाइल के दरमियान तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं तो यकीन कर लेना तुम्हारी बज़्म में हम आ चुके हैं। सुभान अल्लाह, अब ये अलग बात है कि हमारी निगाहें उनको नहीं देख पा रहे हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद, छोटी सी बात अर्ज करने लगा था, आपने बड़ी खूबसूरत जो है ना माशाल्लाह फरमाया है, ये आदाब ऐसे ही हैं, लेकिन जो साहिब हैं जो मेज़बान हैं उनकी ख्वाहिश ये होती है कि ज़ाहिर थका हुआ हाय गर्द आलूद कपड़ों के साथ जब पहुंचे तो वैसे ही चला है, उनको पसंद है, हाय हाय, वो ऐसी हालत में ही जो है ना इस्तकबाल करते हैं कि आओ और ऐसे ही चले आओ। यहाँ पर हदीस शरीफ है जो आप फरमा रहे हैं, ये हम जो है ना वो आदाब का ख्याल रखते हैं लेकिन उनकी तरफ से दरवाजे खुले हैं, जब बुला लिया है तो फिर यहाँ पर जो है ना वो रहमत अली आलमीन हुजूर अकदस। ये जितना भी इश्क है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपको अपनी पूरी तबई उम्र में कभी याद है कि हमने इस इश्क को खौफ बना दिया हो, जैसे आज पाकिस्तान में है ये खौफ? अब लब्बैक कहना जो है ना, लब्बैक या रसूलल्लाह कहना, ये मोहब्बत रसूल नहीं है, ये सियासत है, अगर आप इजाज़त नहीं कहने मैं की बात करता हूँ। पहले तो हमारे फरहान भाई ने पढ़ा तो मुझे एक शेर उस वक्त याद आया था कि खुशा ये एजाज कह रहा है मुझे ज़माना ग़ुलाम उनका, जहे मुकद्दर जहे ये मेरी किस्मत कि मेरी पहचान नाम उनका। बेशक शुक्र अल्लाह का कि हमारी पहचान उनका नाम बन गया है।
अब ये आपका सवाल जो आपने पूछा है, इस सवाल को ज़रा इस एक वाक्य से मिला लीजिए, उसके अंदर आपके जवाब तो मौजूद है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कौन नहीं जानता, उस ज़माने के 6 लाख आदमी उनके नमाज जनाजे में थे। तदफीन तो उनकी मियाँ वाली में कर दी गई थी, फिर ख्वाहिश के मुताबिक उनको लाहौर लाया गया। उनके केस लड़ने से लेकर लाहौर लाने तक में एक कलीदी किरदार अल्लामा इकबाल का और कायद आज़म का भी था। उनकी नमाज जनाजा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के खलीफ़ा मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब ने पढ़ाने के लिए उनको इकबाल ने आगे किया कि आप पढ़ाएं। वो आगे पढ़े तो कुछ ऐसा दीदार हुआ कि वो गश खाकर गिर गए, और इसके उनके मुंह से जुमले थे कि पूरी ज़िंदगी आपकी हदीस शरीफ पढ़ाई लेकिन मैं तो दीदार से महरूम रहा। आज इस अजीम आदमी के जनाजे में शिरकत के लिए आप तशरीफ ले आए, यकीनन बहुत अच्छी बात है। बात दरअसल ये कानून सबके लिए एक होना चाहिए, वह लफ्ज़ लब्बैक के लिए भी कानून एक ही हो, ये चोर है, कातिल है, डाकू है, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। एक कानून अगर सब पर नाफिज कर दिया जाए दिस इज वेल एंड गुड, लेकिन हसब मंशा किसी पर कोई कानून नाफिज हो जाए, किसी पे कोई कानून नाफिज हो जाए। इतनी बाइफरकेशन में खौफ नहीं आता कि लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई शख्स ये कह दे कि आपने नामूस किया तो आप क्या कर लेंगे, आपकी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो हमने इतना हल्का इसको शाह साहब क्यों बना दिया बात को। बिलाल भाई आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है और इसको पॉलिटिसाइज़ किए बगैर आप मुझे इजाज़त दें मैं इस आदमी से गले मिल लूँ। बिस्मिल्लाह जी, एक आशिक रसूल यकीनन जो है ना इसका भी सवाब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो इंशाअल्लाह माशाल्लाह भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको माशाल्लाह इश्क व मारफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। जन्नत में यही करेंगे। माहौल ही बदल गया है, पाक दिलों की निशानियां यही है बेशक। आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, ये फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, सिग्नल जो है ना सीधा मिलता है मदीना मुनव्वरा से जाकर। ये जो गुलू वाला सवाल है वो बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग इस किस्म के तस्वुरात से घरों में बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। आज की गुफ्तगू ने साबित कर दिया कि गुलू का मामला तो उसके लिए होता है पहले दिन से लेकर शहरयार दाऊद तक भी कि जिसमें कोई एक लाइन हो आखिरी के इसके आगे जाना गुलू है, कोई इब्राहिम हो। तो यह बात यह है कि जब बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर, तो फिर इसके बाद कोई लिमिटेशन नहीं है। जी हमें तो इस बात पे दुख हो रहा होता है कि हमारा इश्क कितना नामुकम्मल है। बिलाल भाई मैं कहने लगा था एक जुमला याद आ गया तो अर्ज कर दूं कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, पूरी खल्क का आका कहूं कि आप आका हैं खालिक के बंदे।